हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। पठान हंटर हंटेड। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर दिया, लेकिन अभी भी इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म एंट मैन ने भी काफ़ी बढ़िया कमाई कर ली है और धनुष की वाथी के भी कलेक्शन काफ़ी लाजवाब हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, एंट मैन के 4 दिन, वाथी के भी 4 दिन और कार्तिक आर्यन के शहजादा के भी 4 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन चारों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि एंटमैन, वाथी, शहजादा और पठान में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन 3 के बारे में, जिसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज हो चुके हैं 4 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को बॉलीवुड की फिल्म शहजादा से कंपटीशन मिला, वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान से भी एक बड़ा कंपटीशन रहा। लेकिन इतने सारे कंपटीशन होने के बावजूद भी एंटमैन ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो काबिले तारीफ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एंटमैन ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 8,40,00,000 रुपए का किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक हल्की सी उछाल आई और एंटमैन का सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन 9,30,00,000 रुपए रहा। वही तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन डिट्टो पहले दिन जैसे रहे और फिल्म ने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं में 8,50,00,000 रुपए का किया। लेकिन दोस्तों चौथा दिन आते ही इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन के मुकाबले 50% से भी ज्यादा ड्रॉप हो गई। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक एंटमैन फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों एंटमैन का शुरुआती 4 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 29,70,00,000 रुपए का हो चुका है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 37 करोड़ रुपए। बात की जाए फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों एंटमैन फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन $230 मिलियन का किया, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 1,935 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 1,935 करोड़ की वर्ल्ड वाइड मार्केट में कमाई कर चुकी है। वही दोस्तों बात करें धनुष की फिल्म वाथी के बारे में, जिस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज हो चुके हैं 4 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों वाथी को तमिल और तेलुगु दो भाषाओं में रिलीज किया था और इस फिल्म के जो कलेक्शन है इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म शहजादा से कहीं ज्यादा बेहतर है। जबकि वाथी फिल्म को कम स्क्रीन पर रिलीज किया है उसके बावजूद भी फिल्म ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी काफी शानदार कलेक्शन किया। अगर बात करें वाथी के डे वाइज कलेक्शन के बारे में तो धनुष की वाथी ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 9,70,00,000 रुपए का किया था। वही अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से फिल्म के सेकंड डे और थर्ड डे में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली और वाथी फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11,60,00,000 रुपए का किया तो तीसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 12,50,00,000 रुपए का रहा। वही दोस्तों चौथे दिन इस फिल्म के कलेक्शन भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए और जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक वाथी फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 4,20,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों धनुष की वाथी फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 38 करोड़ का हुआ है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 46 करोड़ रुपए। फिल्म का ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन अभी तक 9 करोड़ रुपए रहा। इसी के साथ दोस्तों वाथी फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन 55 करोड़ का किया है। बताना चाहूंगा दोस्तों वाथी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल कर चुकी है और आने वाले समय में यह फिल्म सुपर हिट भी हो जाएगी। वही दोस्तों बात करें इस हफ्ते की रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म शहजादा के बारे में, जो कि अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म आला वेकुंटा पुरमोलो का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। दोस्तों यहां पर शहजादा फिल्म जिसमें कृति सेनन और कार्तिक आर्यन की जोड़ी देखने को मिल रही है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबको निराश कर दिया है, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से
पहले लग रहा था कि ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 100 करोड़ की कमाई कर जाएगी, लेकिन जिस तरह फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में कलेक्शन किया है उसे देखकर लग रहा है कि अब ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में शायद 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो रहा था इंडिया नेट सिर्फ 6 करोड़ रुपए। उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे दिन शिवरात्रि है तो कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आएगा, लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ फिल्म ने नहीं दिखाई और सेकंड डे से ज्यादा का इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा। हालांकि तीसरे दिन संडे था जिसके चलते फिल्म के कलेक्शन में हल्की फुल्की ग्रोथ फिर से आई, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी आना चाहिए थी। और यहां पर सहजादा फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 7 करोड़ 30 लाख रुपए का किया। लेकिन दोस्तों चौथा दिन यानी कि मंडे आते ही फिल्म के जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से दम तोड़ गए। यहां पर फिल्म को चौथे दिन यानी कि आज जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो काफी कम है और कई जगह पर तो फिल्म के शोज कैंसिल हो गए। बहुत सारी स्क्रीन पर जहां सहजादा चल रही थी वहां पर अब पठान फिर से लगा दी गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सहजादा फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सहजादा फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड़ 50 लाख रुपए का हो रहा है, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 26 करोड़ 80 लाख रुपए, ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों सहजादा का शुरुआती 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन सिर्फ 32 करोड़ का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 4 दिनों में दुनिया भर से 32 करोड़ की कमाई की है। अब आपको बता दें फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 85 करोड़ रुपए। उस हिसाब से देखे जाए तो सहजादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पठान फिल्म के बारे में, तो दोस्तों पठान फिल्म के जो कलेक्शन है वो ऐसे आ रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब कि फिल्म रिलीज होने के पहले मुझे भी लगा था कि शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500-700 करोड़ रुपए कमा जाएगी, उसके बाद ये फिल्म सिनेमा घरों से बाहर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर पठान फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है दुनिया भर में। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अब लगभग 1 महीना होने को आ चुका है, उसके बावजूद भी इस मूवी के जो कलेक्शन है वो डेली करोड़ों में आ रहे हैं। मतलब कि इतने अच्छे कलेक्शन इतने दिनों तक लाना बहुत बड़ी बात है। हालांकि बात करें पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम नजर आ रहे हैं, फिल्म का बजट है 250 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु 3 भाषाओं में रिलीज किया था। अब दोस्तों यहां पर पठान फिल्म ने कल तक यानी कि 26 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 516 करोड़ का कर लिया था। वही दोस्तों आज से इस फिल्म की जो टिकट रेट से वो काफी कम कर दी गई है। मतलब कि बहुत सारी जगह पर फिल्म की टिकट अब सिर्फ 100 रुपए में मिल रही है, जिसके चलते दोस्तों अब फिल्म की टिकटें तो ज्यादा बिकेगी लेकिन जो कलेक्शन है वो थोड़े कम आएंगे क्योंकि टिकट है सस्ती। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक पठान फिल्म आज यानी कि अपने 27वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 2 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों पठान का शुरुआती 27 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 518 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन तीनों भाषाओं में 27 दिनों में 518 करोड़ का हो रहा है। लेकिन बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, तो दोस्तों शाहरुख खान की पठान फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 380 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों पठान का जो 27 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो रहा है 1003 करोड़ का। जी हां दोस्तों, पठान फिल्म 27 दिनों के अंदर दुनिया भर में 1003 करोड़ की कमाई कर चुकी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर चुकी है।